चार रिफ्यूजलां लगन तो बाद मैडम अर्चना बत्रा ने फगवाड़ा दे मनदीप सिंह दा लगाया कनेडा दा वीज़ा। ऑक्सन ओवरसीज ने पति पत्नी किते इकट्ठे। मनदीप दी पत्नी पहला तो ही कनेडा विच रह रही सी। कई सालां बाद परिवार विच खुशी दा माहौल देखन नूं मिलिया। मैडम जी कदे हाँ करके कदे हूँ करके कदे हाँ करके कदे हूँ करके केड़ा दिने यारे लंबी पार। चैनल ते जो भी इस समय जुड़े हुए हैं उन्हें सारा दासी स्वागत करते हैं, प्रशंसकों का स्वागत करते हैं, दोस्तों का असी स्वागत करते हैं। ते असी इस समय पहुंचे हुए हैं सेक्टर 8 विखे ऑस्कन ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिथे के भी वध तो वध इत्थे स्टूडेंट्स के वीज़े लगते हैं, स्पाउस के वीज़े लगते हैं, बहुत फ्लाई करते हैं इतों स्टूडेंट अपने सुपने लैके जाते हैं बाहर कनेडा दे विच, अमरीका दे विच। ते इत्थे असीं पहुंचे सीगे कि भी चलो अब देखते हैं भी इत्थे वीज़े की प्रक्रिया हैगी है। ते मैं ते मेरा दोस्त इत्थे आए सीगे, पर इत्थे असीं कुछ होर ही माहौल देखिया। ढोल ढमके खड़क रहे सीगे, भंगड़े पै रहे सीगे, मिठाइयां वंड हो रही सीगियां। ते साढ़े अंदर भी जगियासा जगी कि भी देखिए भी यह ढोल ढमके क्यों बज रहे हैं, क्यों भंगड़े पै रहे हैं, क्यों खुशियां मनाईयां जा रही हैं। ते असीं इस समय नाल खड़े हैं साढ़े अर्चना बत्रा जी जो कि एम डी ने ऑस्कन ओवरसीज एजुकेशन। मैडम जी ते मैडम जी तुसी अज दसो भी इत्थे थोड़े तो वीजे लगते हैं पर इत्थे ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां बढ़िया जा रही हैं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਹੋਪ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹੋਪ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹੋ। देखो किन्ने कर्म वाले हैगे कि अपने जो सारा क्रेडिट हैगा अपनी सासू मां नूं ते सहुरे साहब नूं दे रहे हैगे, इदां दे भी संस्कारी गुण इन्हां दे विच हैगे। ते तुसीं सोच सकदे हो कि भी जदों इह वीज़ा लवा के दिंदे आ तां गॉड दीआं जो ब्लैसिंग्स है उह लैके चलदे ने। ते गल करदे आ क्योंकि भाजी की नाम है जी अपना? मनदीप कुमार जी कितों रहने वाले? फगवाड़ा सर। ते थोड़ा कितनी बार रिफ्यूज हो चुका है? चार बार सर। चार बार रिफ्यूज। या वेलकम इन ऑस्कन्स एजुकेशनल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड अगेन। ते मैं यही कहना चाहूंगी सारियां नूं, ठीक है, असि बहुत माय नेम इज आरती, आरती रावत। यही कहना चाहवांगे कि वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। एमडी मैम साडे नाल ने हमेशा ही, असि बहुत हार्ड वर्क करदे आ बच्चां लई। पहले भी लखा वीजे दिते ने, हुण भी दवांगे। तुसी साडे कोल आओ, साडे टच विच रहो, तुहानू भी वीजे करा के दवांगे असि, और गरंटेड वीजा करावांगे, ठीक है। अपना पूरा जोर लगा दांगे, जिवें मनदीप जी दा करवा के दित्ता उवें तुहाडा भी करावांगे। क्या बात है, देखो जी आरती जी का जो कॉन्फिडेंस है वो बोल रहा है कि भी थोड़े भी वीजे तुसी आओ ते अपने वीजे लगवाओ, अपना भविष्य बनाओ। ते गल करते हैं, हाँ जी, की शुभ नाम जी? रीना इसी सर के उपर चल रहा है। असि सारे जो भी
मैडम जी गल करते मैडम जी की संदेश देना चाहते हैं पंजाब के होर स्टूडेंट्स या जो बाहर जाने के इच्छुक है कि उन्होंने की की जरूर मिलो तो यह नहीं कि मैं डायरेक्टर हाँ मैं डायरेक्ट नहीं मिलूंगी तुम मेरे आके डायरेक्ट भी मिल सकते हो मेरी सर्विसेज अगर कोई भी जा रहा है रात तक जाके मेरी सर्विसेज हैं तुम जो मेरे मर्जी फोन कर सकते हो मैं तो यही है कि सारे जान तो मैंने दो क्या बात है जी कदे भी तुसी ना दे नाल 24 आवर अवेलेबल हैगे आ कदे भी तुसी संपर्क कर सकते हैं कोई भी थोड़े मन दे विच दिक्कत आउंदी है जां कोई प्रश्न आउंदा हैगा ओ तुसी कदे भी इन्हां दे नाल फोन करके अपनी जो प्रॉब्लम हैगी आ सॉल्व कर सकते हैं असीं तां इही कहांगे वी जे अगर अपने तुसी वधिया भविख दे लई अपना बाहर जाना चाहते हैं जां अपनी इमीग्रेशन का कोई थोनू हैगा काम बाहर दा हैगा तां तुसी ऑस्कन्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर आओ तो इतने मन मंगिया जो कह दिए जा आप अपन भावनावान पाओ तो मिलते हैं जी फिर जल्दी धन्यवाद।